आईएस एस एडवेंचर ऑफ एक उड़ान को फाउंडर होपफुली uh, आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया होगा हम बेसिकली uh, जो लेक्चर पढ़ रहे हैं और कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं दिस इज ओनली फॉर दोंगी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सिविल सर्विस फिर वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो या फिर आप uh, अपनी यू की तैयारी कर रहे हो हमने बेसिकली स्टार्ट किया था कि एंशंट हिस्ट्री को हम कंप्लीट करेंगे जिसमें से ऑलरेडी मैं एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है हर वीडियो के ऊपर आपको लेक्चर फर्स्ट लेक्चर टू और ये लेक्चर नंबर टू है जहाँ पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्री क्वेश्चन जानने की कोशिश कर रहे हैं वैसे ऐसा नहीं है कि मैं खाली प्री को टच कर रहा हूँ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और जब हम मेन्स का पढ़ रहे होते हैं तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम भूल जाते ना सोफर वी हैव कम्पलीटेड हड़पन स्ट्रीट दिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन देर चैनल वैली सिविलाईजेशन मेजरलीस्टिंग नेबरहुड एंड हैविंग ए ग्रेट काइंड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज वेल ड्रेनेज सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था वेल्ट काइंड ऑफ ए ड्रेनेज सिस्टम वॉज देयर एंड पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो देअ एंड कल्चर जो आर्ट एंड कल्चर हमें देखने को मिलता है एक बार यूपीएससी का ऑलरेडी क्वेश्चन भी बन चुका है कि क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग इंडेस वैली सिविलाइजेशन से कुछ सीख सकते हैं जो आज प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन और uh, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हम लोगों को इंस्पायर करती आज लेक्चर नंबर सेकंड और आज मैं बात करने जा रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर की उम्मीद है कि आ, आप छोटे छोटे माइंड मैप बनाएंगे और उनको आ, फिर से रिवीजन करेंगे मैं कोशिश मेरी यही है कि इन वीडियोस के थ्रू एटलीस्ट आपको पता चले कि कहाँ पे हमें स्ट्रेस देना है वन मस्ट बी एबल टू ड्राई लाइन ऑफ डिमार्केशन नॉट टू स्टडी लेट्स गेट स्टार्ट वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाले जो आपके कोर्सेज हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिले सो दिस इज अबाउट मी सुल तुर्की आई एम टीचिंग हिस्ट्री जी एज हिस्ट्री टीचिंग लास्ट फ्रॉम लास्ट नाइन ईयर एंड विद कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड आप मेरे काफी सारे लेक्चर यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आज लेक्चर नंबर टू है और इसको हमने नाम दिया है प्रीलिम बूस्टर 2022 इस लेक्चर नंबर टू में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं अब ऑलरेडी हम लोग आ, आ, पढ़ चुके होंगे किस तरीके के ड्रेनेज सिस्टम थे सो लेट्स टॉक अबाउट द ओल्डेस्ट साइन बोर्ड बिलोंग्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन माना ऐसा जाता है कि हमारे पास जो सबसे ओल्डेस्ट टाइप का साइन बोर्ड था एंड ये मैंने पिक्चर भी इसमें दिखाई हुई है होपफुली आपने जब प्री का मेंस के लिए पढ़ा होगा तो उस समय आपने थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिसर्च या, या ये कह सकते हैं कि पढ़ा होगा ये एक ऐसा बोर्ड है जो जिसको हम कहते हैं स्टोन सिंबल ये पत्थर के ऊपर बनाया गया था तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि सर इससे पहले जो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी जो है वो सिंबल का इस्तेमाल किया करते थे और आज भी अगर आप देखेंगे in 21st century still we are using some symbols and as far as this oldest uh, sign board is concerned devanagari letters iske upar kuch letters hain jo abhi tak hum nahi pad paaye letter over 30 cm ye iska ab ye is tarike ke kyunki static portion mein upsc nahi puchta in a wooden frame ये wooden frame में अब ये art and culture perspective में आपको आएगा hopefully आपने पढ़ा भी होगा wooden frame and it was discovered in the area लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपको अगर लोकेशन क्योंकि अक्सर यूपीएससी का देखिएगा क्योंकि अब जब हम पढ़ते हैं तो हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम भूल जाते हैं लेकिन लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम लोगों को ये ओल्डेस्ट साइन बोर्ड मिला और ये ओल्डेस्ट साइन बोर्ड हमको जिस एरिया में मिला उस एरिया को कहा जाता है डोलावीरा अब ये टाइम पीरियड जो था दैट इज इन नाइनटीन में हम लोगों को मिला और आप ये कह सकते हैं कि ये कहाँ पे रखा गया था तो ये नॉर्दर्न गेट ऑफ डोलवीरा नॉर्दर्न साइड में था नॉर्दर्न साइड और ये इस तरीके का था कि आ, शायद जो लोग थे वो इस सिंबल के थ्रू जानने की कोशिश करते थे क्योंकि अभी हम इसको डिकोडिफाइड नहीं कर पाए तो इस बात से ये पता चलता है अप्री का क्वेश्चन भी और फिर हम में भी पॉइंट एक डाल सकते हैं कि ये बात बड़ा क्लियर है कि इससे पहले जो वेल सिविलाइज सिटी हड़प्पन हुआ करती थी वो साइन बोर्ड का इस्तेमाल करती थी होपफुली अगर उम्मीद करता हूं कि कभी इसमें से प्री का क्वेश्चन बन जाए तो आप इतना एक पॉइंट फिर हम मेंस के लिए जब जाएंगे तो थोड़ा सा मैं इसमें फिर डेप्थ की बारे में बात करूंगा किस किस टून का इस्तेमाल हुआ सिंबल कौन कौन से यूज हुए लेकिन प्री के लिए उम्मीद मैं यही कर सकता हूं कि ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ने के समय ये चीज भूली है और यहाँ पे मुझे जो लग रहा है जो पूछा जा सकता है एक तो स्टोन सिंबल के बोरे में पूछा जा सकता है और लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी नाउ एज uh, अभी जब से कोरोना वायरस हुआ और uh, हम लोगों का जो मेनली अब स्ट्रेस है वो ये है कि लोग हेल्थ uh, कॉन्शियस बन जाए लोगों के बारे लोगों को अवेयरनेस आए एंड मेजर फैक्ट एज इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन इज कंसर्न

आज अगर आप देखेंगे हमारा यही सबको कहना है कि अगर हमें एक अच्छी लाइफ जीनी है हमें अपने हेल्थ को प्रियोरिटी देनी पड़ेगी और ये फैक्ट है अगर आप देखेंगे जो हमने जो पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया है लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक बाथ वॉर दियर द मैनेजमेंट सिस्टम वॉज देयर द रनिंग वाटर इन एवरी हाउस वॉज आप सबसे ज्यादा अपनी सफाई जो रख सकते हैं वो पानी से हो सकती है देर वॉज अ नीट ड्रेनेज सिस्टम एंड अंडरग्राउंड वॉटर वेस्ट वाटर जो गंदा पानी हुआ करता था वो सारा का सारा पॉइंट आउट ऑल द इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइजीन इन हड़प्पन लाइफ इट क्लियरली शोज दैट देर है वेल काइंड ऑफ ए नॉलेज अबाउट द हेल्थ सिस्टम अब यहाँ पे भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि आप उनके अब यहां पे अगर हम देखें जब हम ट्वेंटी वन सेंचुरी की बात करते हैं अब हम अपने बच्चों को from, from, from very beginning, हम उनको सिखाते हैं कि साफ कैसे रहा जाता है आज आप स्लम्स की बात कर लें अर्बनाइजेशन की बात कर लें या बाकी के एरियाज की भी बात कर लें तो आपका मेजर फोकस कहां पे है गवर्नमेंट सबसे ज्यादा हम लोगों को यही चीज बताने की कोशिश कर रही है कि एटलीस्ट हमारे सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस में आ जाएं उनको अपनी हेल्थ के बारे में पता हो क्योंकि याद होगा कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे नए प्रोजेक्ट भी लाए जिसके थ्रू हमने ये क्लैरिटी करने की कोशिश की एटलीस्ट लोगों को पता चले कि उनकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है उसमें फिट इंडिया का एक इनिशिएटिव हमने लिया खेलो इंडिया जैसे ऐसे इनिशिएटिव्स लेने का रीजन क्या है रीजन हमारा यही है कि एटलीस्ट अगर लोग अपने हेल्थ को लेके थोड़ा बहुत भी उनको अवेयरनेस आ जाती है तो डेफिनेटली हम एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं ट्रस्ट करें और ये तभी पॉसिबल है जब हर कोई बंदा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये खाली सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए नहीं है ये रूरल एरियाज के लिए भी है और हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम अभी फेस करनी पड़ रही है वो प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ पे पानी की दिक्कत मेजोरिटी ऑफ जो इश्यूज हमें जो फेस करने पड़ रहे हैं वो यही है कि पीने का साफ पानी नहीं मिलता है अब जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा साफ पानी आप नहीं लेंगे तो डेफिनेटली फिर से बीमारियां होने के चांसेस बनते हैं और वो स्कूल्स के अंदर हों वो यूनिवर्सिटीज uh, के अंदर हों जहाँ कहीं भी सो so ये उनकी एक वेल well प्रियोरिटी रही है होपफुली आप लोग इस पर भी देखेंगे एंड बड़ी अच्छी चीज है जो मुझे लगता है कि मेंस में क्वेश्चन बन सकता है आ, कि हमें क्या सीखने को मिलता है लेट्स कम अबाउट लाइक एवरी सिटी हैड इट्स ओन ग्रीन ग्रेट बात एक बात के बारे में बात होती है और इसके बारे में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक आ, हम लोगों को क्लैरिटी नहीं मिली अब यहां पे पहला पॉइंट ये ये है कि दैट एवरी सिटी इन ग्रेट बाथ अब ये क्यों था अब उसके पीछे गए कुछ सटन रीजन भी हैं मैंने इसमें यह लिखने की कोशिश की है कि यह माना जा सकता है दैट माइट हैव हैड रिलीजियस लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बात सच है हम अंदाजे से कह सकते हैं शायद और जैसे जैसे डिस्कवरीज और जैसे जैसे एक्सप्रेशन होते जाएंगे जैसे जैसे हिस्टोरियंस स्कॉलर्स उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो काफी चीजें और भी पता चलेंगी एक तो हमारे पास जो ग्रेट बात था वो पूरा डेफिनेटली आपको हर सिटी में मिलता था उसके साथ साथ में हर एक घर में वॉशरूम भी हुआ करता था सो अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेट बाथ द एक्सीलेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वॉज एंड जूरिंग में जब हम बात करते हैं एंड एवरी अब ये सारी सिटीज की बात करते हैं ये हमें मिला था द ग्रेट बाथ इन मोहनजो दारो आई होपली आप लोकेशन याद रखेंगे सिंध इन पाकिस्तान ये याद रखिएगा लोकेशन इज इंपॉर्टेंट अच्छा इसका पर्पज जो बताया गया वो ये था कि शायद कोई एक ऐसा फेस्टिवल हुआ करता था जब लोग यहाँ पे जाते थे और वहां पे कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता था उस दिन इसको खोला जाता था साफ पानी हुआ करता था फिर जब ये नहा के निकलते थे एक होल भी वहां पे देखा गया है जहां पे पानी को ड्रेन किया जाता था फिर फ्रेश वाटर लाया जाता था इससे शायद हम ये कह सकते हैं कि उनकी रिलीजियस लाइफ को कुछ टच करता है बट ऐसा नहीं है कि ये क्लियर है और होपफुली आपने इसकी इमेज भी एक देख ली होगी और आ, आ, मुझे लगता है कि आ, जब हम लोग इस पर्पज को देखते हैं तो फिर ये टच करता है कि लेट्स टॉक अबाउट दियर रिलीजियस लाइफ अगर हमें उनकी रिलीजियस लाइफ में कुछ ऐसी चीज पता चलती है, तो हम फिर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड तो है नहीं तो ये चीजें हैं आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर प्री का क्वेश्चन उनकी रिलीजियस लाइफ से बनता है वॉट वे द रिलीजन आर रिलीजियस लाइफ इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन अब मैंने कुछ यहां पॉइंट आपके लिए लाए हैं होपफुली तो आप इनमें से प्री की उम्मीद कर सकते हैं ये प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं डेफिनेटली बनने के तो चांसेस हैं क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी प्री में और अगर आपको प्री के लिए रिलीजियस के ऊपर क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आप गलत ना करें तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि यहां से आप अपना प्री का क्वेश्चन निकाल सकते हैं यकीन मानिए है। कोई ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है सबसे पहले हमें यह पता चलता है कि एक देवी हुआ करती थी देवी इज नोन एज शक्ति, शक्ति जिसको शक्ति भी कहा जाता है दोनों नाम आप याद रखेंगे एक ही नाम है, तो overlapping में कभी -कभी question, ही पूछता है है तो में कभी-कभी पूछता कि कि हो जाती है कि बच्चा जब और इस तरीके के, ये मदर गॉडे थी वहां पूजी जाती थी अच्छा एक और हमें पता चलता है कि वहां पे नेचर की और यूनिवर्सिप एंड नेचर वर्शिप दोनों हुआ करते थे ये आप स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन होगा ऐसे पढ़ा भी होगा आपने ट्री को भी पूजा जाता था जिसमें पीपल का ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इतने हिस्ट्री के अंदर इस ट्री की अगर हम बात करें तो एक बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है फिर वो बुद्धिज्म से भी रिलेटेड कर लें आप फिर ले जेनिज से भी रिलेटेड कर लें उसके बाद इन कंटेम्प्रेरी इंडियन ट्वेंटी सेंचुरी इस ट्री की वैल्यू आज भी इंडिया में बहुत ज्यादा है ये लोग आपको भी पूजा करते थे फायर कार्ल हवन कुंड आज भी अगर देखेंगे तो ये कुंड वगैरह होता है हवन वगैरह होता है पशुपति के बारे में हम लोगों को सील से पता चला था कि इनकी एक वैल्यू हुआ करती थी बहुत बड़ी वैल्यू होती थी पशुपति महादेव इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स क्योंकि इनके इर्द गिर्द में अगर वो सील अगर हम लोग देख लें तो इनके इर्द गिर्द में एनिमल्स बैठे हुए हैं तो ये माना जा सकता है कि ये एनिमल को कंट्रोल किया करते थे वहां से शुरुआत होती है लेकिन समय के साथ साथ फिर कुछ भगवान कम हुए क्योंकि आप जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड होगा तो आर्यन लोग आएंगे फिर आर्यन के गॉड जो है वो अलग होंगे फिर उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में जब जाएंगे तो फिर चेंज होंगे तो समय के साथ साथ जो है भगवान भी बदलते रहे अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने एनिमल वर्कशिप बहुत ज्यादा की है उसमें बुल को आप ले लें क्योंकि ये उन्हीं एनिमल को ज्यादा पूछते थे जिनमें ताकत होती थी माना ऐसा भी जा सकता है कि शायद इन लोगों को ताकत का एक कंसेप्ट होता कि जो ज्यादा ताकतवर है वो ये भगवान है ऐसा हम मान सकते हैं क्योंकि मैं वही कह रहा हूं कि बार बार आप बेकावे में ना आए कोई आपके पास क्लैरिटी नहीं है समय के साथ साथ जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा राखी गढ़ी या फिर उसके बाद लोथल हो गया डोलोवीरा हो गया ये वो जगह हैं जहाँ पे अभी रिसर्च चल रही है समय के साथ साथ मैंने पहले लेक्चर के अंदर में भी बताया था क्योंकि बहुत वास्ट एरिया में ये वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ है कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई चीज मिलेगी और डेफिनेटली वो आप इसको ऑन करते जाएंगे अच्छा अगर एक स्टूडेंट को क्लैरिटी लानी है टू बी एज एथेंटिक ज फर एज दिविल सर्विस एग्जाम इज कंसर्न एक बच्चा खुद पढ़ता है तो उसको बड़ा क्लैरिटी होता है अब इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास तमिलनाडु की बुक है क्लास इलेवन की हमारे पास तमिलनाडु की एक बुक आती है बड़ी सिंपल सी बुक है बड़ा ही क्लासिकल लिखी गई है वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको भी एक बार पढ़ लें और उम्मीद मैं यही करूंगा कि डेफिनेटली आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा उसके बाद अगर आप क्लास सिक्स की एनसीआरटी को भी पढ़ते हैं तो क्लास सिक्स की एनसीआरटी में उतना ज्यादा नहीं दिया है। इससे ज्यादा कोई चीज नहीं है और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख ले ट्रस्ट करें मेरे पे इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन के तौर पे क्या होता है कि वो कौन सा जानवर था जिसको पूजा नहीं जाता था या वो कौन सा जानवर था जिसकी प्रियोरिटी ज्यादा हुआ करती थी आ, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब ये वीडियो देखेंगे आप नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये फायदा होने वाला है अच्छा हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो एक और इश्यू जो हमें फेस करना पड़ा कि यहाँ पे किसी भी टेम्पल के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता है एंड देर वॉज नो टेम्पल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इफ देर वॉज नो टेम्पल तो इसका ये भी नहीं हो पा रही है कि सच में क्या वो एक रिलीजियस लाइफ जीते थे या नहीं थे फिर हमने क्योंकि कुछ चीजें आप ऐसी हम ले लेते हैं। तो मेरे उसी एक, एक आपको मिल जाए दैट देर वॉज नो टेम्पल इन द इंडस वैली टेम्पल था ही नहीं तो लोगों ने जो कुछ भी किया है डेफिनेटली खुद से किया होगा अब यहां पे ये फर्स्ट पॉइंट देखिए टी मॉनूमेंट ये बड़ा क्लियर है इसके ऊपर आपको कोई शक शुभा नहीं होना चाहिए less, अगर कोई फिर से डेवलपमेंट होती है अगर रिसर्च हो जाती है और कोई चीज ऐसी मिलती है तो डेफिनेटली फिर आपको वो अपने एग्जाम में लिखना पड़ेगा इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंटेम्परे सिविलाइजेशन हैल मॉनुमेंट अगर हम ओर सिविलाईजेशन की बात करें बट एज इंडे वैलीस अरे काइंड ऑफ मोनोमेंट्स इस तरीके की चीजें नहीं मिली तो अगर ऐसा मिल गया होता तो हम क्या करते है? हम क्लैरिटी के तौर पर यह बता सकते थे कि ये देखिए ये बड़ा सा क्लियर है आप लोगों को कर लेना चाहिए बिकॉज़ ऑफ दस ऑफ द टेम्पल पैलेस बी अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक मोनोमेंट्स देयर वर सम लाइक स्ट्रक्चर लाइक ग्रेनरीज पब्लिक बाथ लेट हिस्टोरियंस टू बिलीव दैट देर दे

मत पढ़िए खुद से वो बनाए हैं इसीलिए यूपीएससी के में। अगर ये भी आपको again, 11th Nadu, वो बहुत अच्छे से लिखा गया है और उसके बाद अगर आपको स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर भी जाना है देर इज अ बुक कॉल्ड पूनम दलाल एक बार आप पढ़ लें इससे ज्यादा आपको कुछ वहां पर मिलने वाला नहीं है एंड हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो बेसिकली अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है हम ये मानते हैं कि शायद पीछे कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने लोगों को रिलीजन के बारे में बताया होगा समय बीता जैसे कि हम आर्यन सिविलाइजेशन के अंदर बड़े नीट एंड क्लीन है बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहां पे धर्म के बारे में बहुत क्लीन क्योंकि रिटर्न है रिटर्न यहाँ पे नहीं है तो डेफिनेटली कोई भी चीज बोली जा सकती है आइए जरा मैं आपको इनकी इकोनॉमी की ओर लेके जाता हूँ बड़ा सिंपल से कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए सबसे पहले ये एग्रीकल्चर किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन वर बेस्ड ऑन द देश ऑन द एग्रीकल्चर सिस्टम अब अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो डेफिनेटली अब अच्छा मुझे यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा एग्रीकल्चर करते थे आपको कम से कम दो तीन Uh, जो क्रॉप्स है उनके नाम पता होने चाहिए उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम जरूर लिखें और मैं चेक भी करता हूँ ऐसा नहीं है कि आपको लगता होगा कि सर मैं अपनी अपलोड करने के बाद देखता रहता हूँ और जब भी मुझे लगता है कि बच्चे ने वो पॉइंट डाला हुआ है मैं उसी समय उसको रिप्लाई भी कर देता हूं। तो जब आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप एग्रीकल्चर करते जाएंगे देखिए आज भी आपको मानना पड़ेगा इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास जियो चैप्टर नंबर फोर दैट एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री इंडिया को आगे बढ़ना है तो एग्रीकल्चर करना है और इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने कल्चर अपने एग्रीकल्चर के लिए बहुत जाने जाते हैं अच्छा ये भी बता दे जरा दर्ड एग्रीकल्चर है एंड जैसे जैसे आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली आप ट्रेड इन कॉमर्स की ओर चले जाएंगे बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ इस इन ज्यूरिंग दिस पीरियड हमारा काफी सारा ट्रेड इन कॉमर्स अलग अलग कंट्रीज uh, के साथ हुआ करता था फिर उसमें मीसो पटामिया का आप नाम ले लें और uh, एक बड़ा uh, एक uh, काफी अच्छा खासा रोल uh, हमें देखने को मिला तो ट्रेड एंड कॉमर्स से क्या होगा कि आप इम्पोर्ट भी कर पाएंगे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे तो प्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे थी, दैट वाज कार्टन वाज दियर इंडिया अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को मैं पढ़ता हूं एक बड़े अच्छे हिस्टोरियन ने लिखा था कि, इंडियन रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन सारी लड़ाइयास्ट कॉटन निकलता था सेवन वराइटीज ऑफ कॉटन इंडिया के अंदर जिसमें बंगाल बिहार उड़ीसा ये बहुत मशहूर थे और रॉबर्ट क्लाइव की कहानी भी तो आपने वही पढ़ी होगी कि कॉटन के ऊपर बहुत ज्यादा उनका फोकस था और बेसिकली मैनचेस्टर एक कंपनी हुआ करती थी लंडन के अंदर और वो ये चाहते थे कि ये कॉटन जो है बेसिकली उन तक पहुंच जाए so, जैसे जैसे आप लोगों ने कॉटन के ऊपर काम किया या ऑयल हो गया लग्जरी आइटम्स हो गए अः बहुत ज्यादा अच्छा खासा एक जो मैंने नीचे लिखा है कि एक्सपोर्ट भी किया जाता था इम्पोर्ट भी किया जाता था हमें बहुत सारे यहाँ पे डॉकयार्ड मिले ये शो करता है कि वाकई में उनकी इकोनॉमिक लाइफ बहुत अच्छी थी प्रोडक्शन ऑफ कॉटन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई uh, यहाँ पे आपको मेजरमेंट करने के लिए देर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो प्रॉपरली यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट से ये पता चलता है कि इसका मतलब है कि अच्छा खासा बिजनेस हुआ करता था वहां पे यहाँ पे वेट सिस्टम का भी एक अच्छा खासा था कि किस तरीके से तोला जाएगा मेजरमेंट कैसे किया जाएगा uh, uh, ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो ये वेट सिस्टम जो हम लोगों को वेट इन मेजर किस तरीके से किया जाएगा तो इसके लिए आपको ये सारी चीजें हमें जो मिली थी ये लोथल से मिली थी अब लोथल जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाना जाता था वेट जो बनाया जाता था जिससे हम ना तोला जाता था ये लाइम से बनाया जाता था ये भी याद रखिएगा और यूजली इसकी जो शेप होती थी दैट वॉज इन दे क्यूबिकल शेप क्यूबिकल शेप में रखा जाता था तो ये पॉइंट फ्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सो so, अगर इसको हम लोग समराइज uh, भी कर लें थोड़ा सा देख भी लें तो मुझे एक लगता है कि अच्छी खासी इकोनॉमिक यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग हुआ करते थे कुछ लोग जो है वो इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड थे कुछ लोग जो है एग्रीकल्चर के साथ कुछ लोग टेरिकॉटा का काम का का करते थे कुछ लोग कॉटन के साथ काम का करते थे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें उस समय भी देखने को मिली और uh, ये पहली सिविलाइजेशन है दिस वॉज द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन जहाँ से हम लोगों को कॉटन के बारे में पता चला वर्ल्ड के अंदर और the earliest evidences for the use of cotton was found in कहां पे किस जगह पे हमें मिला था That is in the मेहरगढ़ आप हाँ ये भी जरा मुझे बता दीजिएगा कि मेहरगढ़ आज कहाँ पे है यानी करंट में हम लोगों को किस जगह पे मिलता है डेट बैक 6 मिलेनियम बीसी के अंडर हम लोगों को पता चला और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो पीजेंट्स हुआ करते थे वही दागों को परोते भी थे उसी को कंप्लीट करने का काम भी वही था और कॉटन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया है और रेस्ट ऑफ चीजें मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर के ऊपर मुझे खुद ही अच्छा, ये सारा कॉटन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपोर्ट आइटम जो उस समय किया जाता था इम्पोर्ट एड एक्सपोर्ट तो इस तरीके से हमसे ये कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी इकोनॉमिक सिस्टम हमें देखने को मिला सर और uh, uh, यहां पे इस बात से यह पता चलता है अगर कॉटन का इस्तेमाल किया गया तो कॉटन से बनेंगे कपड़े और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आ, हम लोगों को जो वर्ल्ड का फर्स्ट बटन जो आज भी हम यूज करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट बटन भी हम लोगों को यहीं पे मिला था क्योंकि कपड़े आप पहनते हैं ना तो फर्स्ट बटन भी हम लोगों को यहीं पे मिला था डेट बैक अराउंड टू थाउजेंड एट हंड्रेड टू टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बटन uh, जो बनाए जाते थे वो सी शेल से बनाए जाते थे ये भी याद रखिएगा सी शेल से बनाए जाते थे और बड़े खूबसूरत से होते थे किसी के अंदर होल रखा जाता था और अटैच किए जाते थे क्लोथ के साथ और फिर थ्रेड जो आज भी हम लोग यूज करते हैं uh, ये uh, जो बटन सिस्टम था मोस्टली हम ये कह, कह सकते हैं कि यूज फॉर देयर ऑर्नामेंट्स ऑर्नमेंटेशन एंड वैल्यू रेदर देन यूटिलिटी ज्यादातर एक बड़ी खूबसूरती एक अच्छा जैसा अपनी हेल्थ को भी बड़े अच्छे से कपड़े पहनने में भी वो बहुत अच्छे थे अः हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि आ, उनके पास एक सोशल लाइफ की एक फेल नॉलेज थी जो आज भी हम लोग कहते हैं कि एक अगर अच्छी लाइफ आपको जीनी है रिक्रिएशन एक्टिविटीज वो बहुत ज्यादा करते थे जिसमें आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा ये लोगों का जो सबसे अच्छा सिस्टम होता था मैं इनकी सोशल लाइफ के बारे में आपको बता रहा हूँ एक सोशल लाइफ के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये हंटिंग भी करते थे तो वैसे आज तो बैन कर दिया गया है दूसरी चीज ये फिशिंग किया करते थे आज भी अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं जो अपना लग्जोरियस टाइम जो है थोड़ा सा यहाँ पे स्पेंड करते हैं क्ले वगैरह के साथ बहुत उसको पूरा मोल्ड करके फिर अच्छी अच्छी मूर्तियां वगैरह बनानी ये सारी काम जो है आपके एक सोशल लाइफ के अंदर किया जाते थे फैमिली बाउंड जो था वो बहुत अच्छा था फैमिली बाउंड आज अगर देखेंगे तो बहुत लूज हो चुका है उस समय अगर आप देखेंगे तो फैमिली बाउंड बहुत ज्यादा हुआ करता था लोग मिलके रहते थे हाउस होल्ड डेकोरेशन सब मिलके किया करते थे घर को सजाने का काम मेल और फीमेल दोनों मिलके करते थे आज भी गांव के अंदर आपको ये सिस्टम देखने को मिलेगा अच्छा मेटल का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है मेटल लाइक -like, किस किस मेटल को यूज करते थे इधर मेड ऑफ ए कॉपर का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है ब्रॉन्ज का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है डेकोरेशन की बात कर रहा हूं। जब घर को आप करते हैं यहाँ पे हमें चेयर वगैरह देखने को मिली ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हमें देखने को मिला तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि वो बहुत ही वेल सिविलाइज थे अच्छा अगर आप किचन के अंदर चले जाते हैं तो किचन के अंदर में भी हमें काफी सारी चीजें ऐसी मिली जो आज भी हम यूज करते हैं तो इनके किचन के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफी सारे बर्तन हमें देखने को मिले और इसमें हम लोगों को जार्स वगैरह बड़े बड़े खूबसूरत से और डेकोरेट किए गए थे डिशेज वगैरह बहुत अच्छे देखने को मिले और उसके साथ साथ आ, आ, बहुत सारे ऐसे इन्होंने बर्तन जो बनाए जाते थे ईदर दे वेर मेड बाय दे एंड स्टोन। अब ये पत्थरों का इस्तेमाल और मिट्टी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे वो भी हमें पता है कपड़ों के तौर पे देख लीजिए तो कपड़े भी बहुत अच्छे खासे पहनते थे तो इस इन चीजों से ये पता चलता है कि वो आ, आ, कितने वेल सिविलाइज थे कॉटन क्लोथ्स वेदर सबसे ज्यादा यूज किए जाते थे वुलन क्लोथ को भी इस्तेमाल यहाँ पे होता था क्योंकि सर्दी वगैरह हो जाएगी तो आपको यूज करने पड़ेंगे विमेन जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक का इस्तेमाल भी करती थी आपको याद होगा कि कॉस्मेटिक के ऊपर हमें काफी सारी ऐसी चीजें मिली हैं और इवन नॉट ओनली फीमेल मेल भी इसका इस्तेमाल करते थे और फीस को लगाने के लिए अलग अलग चीजें अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने आपको पीछे बताया था जिसमें वेजिटेबल के अंदर ये लोग सीसम उसके साथ फ्रूट जिसमें डेट का इस्तेमाल ये लोग करते थे डेट पाम जो है वो यूज करते थे मटन का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है फिश का इस्तेमाल ये लोग यहाँ पे करते थे इससे पता चलता है कि भाई एक वेल सिविलाइज कंट्री रही है फिर उसके बाद इनका अच्छा खासा ड्रेनेज जो हम लोगों को वहां पे लेटर्स देखने को मिले वर्ड्स देखने उससे पता चलता है कि शायद मे बी वो एजुकेशन में भी बहुत अच्छे थे आ, आ, बच्चों के खिलौने हमें देखने को मिले इट क्लियरली शोज दैट वेल एजुकेटेड हैविंग ए लॉट ऑफ नॉलेज सो आई होप आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे और एक पर्टिकुलरली uh, जो मैं इसके बाद जो थर्ड हमारा लेक्चर आएगा दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन आर्ट एंड कल्चर आई डोंट वांट टू बी इंक्लूड आर्ट एंड कल्चर इन दीज क्लासेस बिकॉज मुझे ये लगता है कि वो फिर गलत हो जाएगा अच्छा एक सेपरेट like, जो है वो लेक्चर नंबर थ्री प्यरलीटेडर आई जॉइन दे टेलीग्राम कल्चर। आई होप यू कैन सेंड अ मैसेज ऑन दिस नंबर एंड वट यू हैव टू डू जस्ट

Uh, और उसमें आपको ये फायदा है कि आप मैसेज करके uh, अपना ईमेल आईडी सेंड करेंगे और फॉर इजी फॉर यू टू ज्वाइन मैसेज एटलीस्ट आपको मैसेज भी मिल जाएगी और यू कैन विल कीप द ई मेल एक्चुअली मुझे नंबर याद नहीं रहा है सो so, होपफुली आप उस नंबर को ऐड करके और या फिर अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपको वहाँ से लिंक देके वो टेलीग्राम में ज्वाइन कर देंगे ताकि आपको आने वाली क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन मिले uh, इसी तरीके से प्यार करते रहिए विंग एक उड़ान के साथ और उम्मीद यही करेंगे कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर आपके साथ जुड़े दिस इज जस्ट अ ट्रायल एक ट्रेलर चल रहा है आप देख रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि लाइव क्लासेज में भी आपके साथ जुड़ूंगा जहाँ पे आपके डाउट क्लियरिंग सेशन जितने भी होंगे आंसर राइटिंग के लिए भी जुड़ूंगा जस्ट नीड यूअर स्पोर्ट एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन लव यू फ्रॉम द फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट एंड प्लीज डू मैंशन यूअर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स एज वेल दिस क्लासेज ऑज ओनली फॉर द प्री जो प्री के लिए जा रहे हैं सो दैट यू विल बी एबल कि हम लोगों को किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है स्टे सेफ एंड स्टे एंडर